कश्मीर के बारामूला जिले के हाजीवेरा पट्टन इलाके में बरामद मशकूक शय सिक्योरिटी फोर्सेस के बम डिस्पोजल स्क्वाड के हाथों तबाह कर दिया गया है और इसके फौरन बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। वाज़ह है कि आज सुबह कौमी शाहराह पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने एक मुश्तबा शय का पता लगाया। मुश्तबा बैग की निशानदेही के फौरन बाद ट्रैफिक रोक दी गई और लोगों के नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई। ताहम बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर पहुंचा दिया गया और BDS यानी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बगैर किसी नुकसान के मुश्तबा शय को तबाह कर दिया और बाद में ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। तो ये वो तस्वीरें हैं जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उस मुश्तबा चीज को डिस्ट्रॉय किया, उसे डिस्पोज कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद ही फिर ये जो ट्रैफिक जिसे ब्लॉक किया गया था, जिसे रोका गया था एहतियात के मद्देनज़र, उसके बाद ही फिर ये ट्रैफिक बहाल कर दी गई। और ये देखिए वो उस वक्त की तस्वीरें जब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यानी BDS जो है वहाँ पर पहुँची थी और फिर उसने उसको वहाँ से किस तरह से कैरी किया और फिर उसे एक ख़ास मकाम पर ले जाकर उसे डिस्पोज कर दिया, उसे तबाह कर दिया। और इससे जो एक अंदेशा था जानी नुकसान होने का, उसे बचा लिया गया है। मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, हमारे रिपोर्टर मुनीर। इससे पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो ये अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि आया ये IED है या कुछ और, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये IED ही थी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और अब उसे नकारा भी बना दिया BDS ने। देखिए विशाल, अभी भी ये भी कंफर्म नहीं हुआ ये IED थी या मुश्तबा बैग था, क्योंकि अब सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि पहले बैग था वहां पे, उसमें कुछ शय थी और अभी उन्होंने जब उसको तबाह कर दिया है, उनके पुर्जे जो है उन्होंने जमा कर दिया है जांच के लिए, जांच के बाद ही वो पता चल पाएगा इसमें IED थी या कुछ और शय थी। तो अभी यानी जो BDS स्क्वाड है उन्होंने उसको तबाह करके उसके बाद जो ट्रैफिक बंद थी और उसको बहाल कर दिया गया है नेशनल हाईवे पे, और अभी वहाँ इस एरिया में जितने भी पुर्जे वहाँ से हैं उनको जांच के लिए जमा किया है उन एजेंसीज ने और BDS स्क्वाड ने, तो उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि इसमें IED थी या कुछ और शय थी। और फिलहाल ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है और नॉर्मल जो रोड नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही है वो जारी है। जी तो मुनीर, क्या ये जिस चीज को तबाह किया गया उस पे एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, रिस्क लिया गया कि ये IED भी हो सकती है, दीगर अशा भी हो सकती है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसे तबाह किया गया, डिस्पोज किया गया, तो क्या ये समझा जाए कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था? बिल्कुल विशाल, क्योंकि जो ये बैग था, बैग की जब बम डिस्पोजल स्क्वाड आया उन्होंने बाजाब्ते तौर पे डिस्ट्रॉय करने के लिए जो तार और अपना वो जो आइटम होता है और उस तार को लगाकर उन्होंने उसको लगा के उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद जो आसपास के पुर्जे हैं वही जमा करके उसके बाद ये पता चल पाएगा क्योंकि ये IED है या उसमें कुछ और शय थी। और ताहम कुछ देर बाद ही पुलिस में भी इसमें जो प्रेस रिलीज आएगा और आर्मी की तरफ से और पुलिस की तरफ से, उसके बाद ही हम अपने नाज़रीन को ये बता पाएंगे कि इनकी शय क्या थी वहां नेशनल हाईवे पे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मुनीर तमाम जानकारी के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब उस रास्ते पर जो है वो बारामूला हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है।